स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ जया पाठक। कोरोना की वजह से देश के तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगा दी गई है और ऐसे में ऐसे तमाम आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठा हो पाते हैं। तो अब ऐसे में उन लोगों का नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है जिनकी इस कोरोना टाइम में उनकी शादियां तय हो चुकी थी। तो ऐसे लोगों को एक शादी को लेकर हर लड़की या लड़के के मन में कई तरह के ख्वाब होते हैं। बैंड बाजे, ढोलक, लोग, ताम झाम, बाराती, ये सारे एक हर एक कपल्स की जो है ड्रीम होती है उनकी शादी। लेकिन कोरोना ने सबके सपनों पर जो है पानी फेंक दिया है। तो ऐसे में एक कपल ऐसा भी है जिन्होंने इस रिस्ट्रिक्शन के बीच में शादी भी की और शादी में कम से कम 130 लोग हुए, बैंड बाजा भी हुआ और दुल्हन ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भी भरा, वरमाला भी पड़ा और ये सारा वाक्या इतनी खूबसूरती से हुआ कि कानून भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इन्होंने सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए किया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो चलिए चलिए हम आपको इस पूरे मामले की जो जानकारी तफसील से देते हैं। दरअसल ये मामला है तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ के कपल्स राकेश और दीक्षा ने 23 मई को एक ऐसी शादी रचाई जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इस कपल ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए एक पूरा का पूरा फ्लाइट भी बुक कर लिया। जी हाँ, इस कपल ने 2 घंटे के लिए एक फ्लाइट बुक कर ली और वहाँ पर तकरीबन 130 लोग हुए और धरती से करीब 30,000 फीट ऊपर इस कपल ने सात फेरे लिए, वरमाला किया और एक दूसरे के हो गए। इस कपल की माने तो इन्होंने जो तमाम रीति रिवाज है उसको नियम और कानून के और जो कोरोना गाइडलाइन है उसके अंदर रहते हुए ही किया है। इनका कहना है कि फ्लाइट में जितने भी लोग सवार थे उन सब की आरटीपीसीआर टेस्ट करवाई गई थी और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्होंने फ्लाइट में एंट्री ली और ये पूरी शादी का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हुआ। अब इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर 2 बहस छिड़ गई हैं। एक तरफ जहाँ लोग इस कपल्स की वाहवाही कर रहे हैं, इनके यूनिक आइडिया की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो कोई इनको नियम का उल्लंघन करने का आरोप भी इन पर लगा रहा है। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एसपी का कहना है कि अभी तक इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि ये उल्लंघन भी बड़ा ही अजीब किस्म का उल्लंघन है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और इस घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।